नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट अपने अनाउंस कर दिए हैं, कैसे रहे रिजल्ट जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि यहां पर कंपनी ने कहीं पर भी डिविडेंड की बात नहीं की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी किस किस में डील करती है, तो KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा, वेंगो जैसे यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इन कंपनीज के साथ इनका टाइप है, इनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहां पर लगाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। कंसोलिडेट के रिजल्ट हैं, सभी फिगर्स इन मिलियन में हैं। टोटल इनकम की बात करें तो 7,519 मिलियन, डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट है। लास्ट क्वार्टर से मच बेटर रिजल्ट इनके आए हैं, इनकम ज़्यादा हुई है। लास्ट क्वार्टर में 7,137 मिलियन के थे और लास्ट ईयर की बात करें तो 5,212 मिलियन के यहाँ पर इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। एक्सपेंस की बात करें तो 6,818 मिलियन के कंपनी के एक्सपेंस हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में 6,365 मिलियन के थे और लास्ट ईयर में 4,733 मिलियन के कंपनी के एक्सपेंस हुए थे। तो कंपनी के एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। देन बात करेंगे कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस निकालने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकाला। 587 मिलियन, लास्ट क्वार्टर में 771 मिलियन था और लास्ट ईयर में 471 मिलियन था। यानी कि कंपनी के एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आया वो कम हो गया। देन कंपनी ने टैक्सेस पे किए तो फाइनल कंपनी के पास प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 568 मिलियन। लास्ट क्वार्टर में 747 मिलियन था और लास्ट ईयर में 465 मिलियन था। डेफिनेटली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट शेयर पे डालने वाला है। अब बात करते हैं EPS की, तो कंपनी के शेयर के पीछे 49 पैसे अर्न कर रही है। लास्ट क्वार्टर में 61 पैसे अर्न कर रही थी और लास्ट ईयर की बात करें तो वो 39 पैसे अर्न कर रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट दिखाई दी है। पर्सनली रिजल्ट अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मिक्स से हैं, क्योंकि कंपनी की इनकम इंक्रीज़ हुई है अगर पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर से कंपेयर करें। बट अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इतना ज़रा बूस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में गिरावट हुई है। तो आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।